जिसमें ज़्यादातर बांग्लादेशी नेशनल्स इन्वॉल्व हैं। मास्टरमाइंड जरासेल अभी बांग्लादेशी है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एक बड़े और अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। क्राइम ब्रांच ने बांग्लादेश से लेकर राजस्थान और यूपी के आजमगढ़ तक चलने वाले इस किडनी रैकेट का खुलासा करने के साथ ही 50 साल की एक महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई महिला डॉक्टर एक बड़े अस्पताल में काम करती है। इल्जाम है कि महिला डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट के 15 से 16 ऑपरेशन कर चुकी है। इसमें ज्यादातर बांग्लादेशी नेशनल्स इन्वॉल्व हैं। मास्टरमाइंड जरासेल अभी बांग्लादेशी है। कुल 7 गिरफ्तारी हैं, जिसमें से 3 बांग्लादेशी हैं, एक उनका इंटरप्रेटर था यहाँ, और जो डॉक्टर और डॉक्टर के स्टाफ 2, तो टोटल 7 हो गए। बाकी ये जो किडनी का पेशेंट है वो भी बांग्लादेश से लाते थे, और जो उसका डोनर था वो भी बांग्लादेश से लाते थे। दरअसल इसी साल जून के महीने में दिल्ली पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली कि एक गैंग अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के काले धंधे में शामिल है। खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई। टीम गठित की गई, जिसने उसी रोज जसोला गांव में छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके शिनाख्त रसेल, रोकून, सुमन मियां के तौर पर की गई। ये तीनों बांग्लादेश के मूल निवासी हैं, जबकि एक आरोपी की पहचान रितेश पाल के तौर पर हुई, जो त्रिपुरा का रहने वाला है। आरोपियों से सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया कि वे बांग्लादेश में डायलिसिस सेंटर पर जाकर किडनी के मरीजों को निशाना बनाते थे। इसके बाद बांग्लादेश से ही डोनर ढूंढते थे, ऐसे लोगों को तलाश करते थे जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती थी। भारत में नौकरी दिलाने के बहाने उन्हें लेकर आते थे। ये तो कागज वगैरह तो वहीं से बना के लाते थे कि ब्लड रिलेटिव हैं, ये हैं, वो हॉस्पिटल से वहाँ से ईमेल कराते थे, जो कि फिर उसका नेक्सस अभी हम आगे और आगे उसमें जांच कर रहे हैं। कुछ ये फर्जी कागजात भी बनवाते थे, जो हमें स्टैंप वगैरह मिली है इनके यहाँ से, और फिर ये यहाँ पे उनका मेडिकल टेस्ट करा के हॉस्पिटल को ऐसे दिखाते थे कि ये जेन्युइन रिलेटिव हैं आपस में, और फिर वो उसमें उनका ट्रांसप्लांट एज वो करा रहे थे। नहीं, कुछ तो गरीबी के कारण वहीं से तैयार हो जाते थे, कुछ के लिए फिर ये वहाँ से कहते थे कि तुम्हारी नौकरी लगवाएंगे, दिल्ली भेज दें, वहाँ पे काम सिखाएंगे, नौकरी लगेगी, फिर वो यहाँ पे आके मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाते थे, उसके अगर वो फिट होता है फिर उसको आगे मोटिवेट करते थे कि पैसे के लोभन में कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे तो किडनी डोनेट कर दो। पुलिस के मुताबिक एक किडनी ट्रांसप्लांट में 20 से 25 लाख रुपए वसूले जाते थे, जिनमें से 3 से 4 लाख रुपए डोनर को देकर बाकी पैसा डॉक्टर रैकेट के बाकी सदस्यों में बांट लिया जाता था। जांच के दौरान पुलिस को नोएडा के एक बड़े अस्पताल का भी पता चला है, जहां ये ट्रांसप्लांट किए गए थे। पुलिस अब अस्पतालों की भूमिका की भी पड़ताल में जुटी है। तो 20 से 25 लाख का पूरा है एक केस, उसमें फिर केस वाइज वो कमीशन उसके हिसाब से करते थे। सर, डोनर जो किडनी देता था उसको कितना जाता था? वो तो अभी डोनर्स को एग्जामिन करेंगे तो पता चलेगा। डॉक्टर्स का सर कितना शेयर होता था? वो तो अपना जो भी उनका रूटीन में मॉडल रहता है, पेमेंट मॉडल, उससे वो रखते थे। उसमें कोई वैसा भी फिगर्स नहीं आई है सच। नहीं, वो हॉस्पिटल की भूमिका वगैरह की अभी तफ्तीश चल रही है, उसमें आगे उसमें कुछ आएगा तो उसका आगे कार्रवाई की जाएगी। इस इंटरनेशनल किडनी रैकेट का एक और मोहरा मोहम्मद शारिक आजमगढ़ से गिरफ्तार हुआ है। शारिक ही डॉक्टर डी विजया राजकुमारी से मरीजों का अपॉइंटमेंट लेता था और पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाता था और डॉक्टर की टीम से संपर्क करता था। इसकी गिरफ्तारी की पुष्टि खुद एसपी ने की है। देखिए, दिल्ली पुलिस की कुछ पुलिस बल थाना बिलियागंज में 23 जून को आई थी। उन्होंने किसी शारिक पुत्र कलीम, जो बिलियागंज का रहने वाला है, की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बल की मांग की थी, जिस पर थाना बिलियागंज द्वारा नियमानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था और इसके घर पर दबिश दी गई। घर पर ये दस्तयाब नहीं हुआ था, जिसके बाद पुलिस अपनी रवानी कराई थी। किस मामले में थी जानकारी? ये बताया जा रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट केस का कोई मैटर है, जो दिल्ली पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसी सिलसिले में पुलिस यहाँ पर आई। शारिक करता क्या है, कुछ जानकारी? शारिक की जानकारी के अनुसार अब तक ये है कि दिल्ली में ये पैथोलॉजी लैब चलाता है और पैथोलॉजी का काम करता है। पुलिस के मुताबिक किडनी ट्रांसप्लांट का एक काला धंधा बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहा था, लेकिन ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हिंदुस्तान में किए जाते थे। पुलिस ने इस गिरोह के कब्जे से डॉक्टरों, नोटरी पब्लिक के 23 नकली स्टाम्प और किडनी ट्रांसप्लांट के रोगियों और डोनर्स की जाली फाइलें बरामद की हैं। जांच का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो कई और राज सामने आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।